प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ का फोर्थ चैप्टर, फर्स्ट फ्लाइट का फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी से ये चैप्टर है और इसकी राइटर स्वयं एनी फ्रैंक ही है। तो बिफोर द रीड, चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एनालीज मैरी एनी फ्रैंक, उसका पूरा नाम था एनालीज मैरी, जिसको एनी फ्रैंक के नाम से फेमस हुई वो। 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945, 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ था और फरवरी मार्च 1945 के आसपास उसकी मृत्यु हुई थी। वाज ए जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल, जो जर्मनी में जिसका जन्म हुआ था और यहूदी जेविश लड़की थी, यहूदी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। उन्होंने इस अपनी डायरी को उस समय लिखा था जब उसका परिवार और उसके चार फ्रेंड एम्स्टर्डम के अंदर, एम्स्टर्डम जर्मनी का एक शहर है, उसके अंदर जर्मनी और नीदरलैंड के बीच जब सेकेंड वर्ल्ड वार में युद्ध हो रहा था, उस दौरान उन्होंने वो छुपे हुए थे वहाँ, उन्होंने ये डायरी लिखी थी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। और जब जर्मनी के अंदर नाजियों का अधिकार हो गया, नाजी लोग सत्ता में आ गए, तो वे एम्स्टर्डम चले गए, उनका परिवार एम्स्टर्डम से मूव कर गया, चले गए छोड़ के एम्स्टर्डम को, क्योंकि वहाँ खतरा था। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन वो फंस गए। वेन नाजी, ट्रैप्ड का मतलब फंस जाना, ट्रैप्ड वेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन टू द नीदरलैंड, क्योंकि नाजियों का जो अधिकार था वो नीदरलैंड तक भी हो गया था। अब वहाँ वो ट्रैप हो गए, फंस गए थे। एज प्रिक्योशंस, सावधानियों के रूप में, एज प्रिक्योशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इनक्रीज, जो यहूदियों की जनसंख्या बढ़ने के सावधानी स्वरूप, द फैमिली वेंट इन टू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम इन हर फादर ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग। अब कहता है कि द फैमिली वेंट इन टू हिडिंग, परिवार था उसका वो हिडिंग में चला गया, यानी छुप गया। कहाँ छुपा? इन जुलाई 1942 के अंदर, इन हिडन रूम, गुप्त कमरों के अंदर, जिसको किसी को पता नहीं था, ऐसे कमरों में छुप गए। और कमरे कहाँ थे? इन हर फादर ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग, जिस दफ्तर में की बिल्डिंग थी उसके, जहाँ उसके पापा ऑटो फ्रैंक काम करते थे, उस बिल्डिंग के बेसमेंट के कमरों में वो छुप गए। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, उस कमरों के अंदर ही 2 साल छुपे रहे। 2 साल के छुपने के बाद द ग्रुप वाज बिट्रेड, उस ग्रुप का पता लग गया, ग्रुप का पता लग गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और जहाँ कैदियों को रखा जाता है, कंसंट्रेशन कैंप, जहाँ कैदियों को रखा जाता है, उन कैंपों के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, वहाँ भेज दिया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन ब्रगेन बल्शेन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। एनी फ्रैंक की मृत्यु टाइफाइड से ब्रगेन बल्शेन के अंदर, बस उसकी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ मरने के कुछ दिनों के भीतर ही मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक को मरे अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि उसकी मृत्यु भी टाइफाइड से हो गई। हर फादर ऑटो, उसके पापा का नाम ऑटो फ्रैंक था, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उनके समूह के अंदर केवल एकमात्र जीवित व्यक्ति थे, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, और जब युद्ध ख़त्म हुआ तो वापस एम्स्टर्डम लौटने वाले एकमात्र उनके ग्रुप में से थे, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। जब उसकी डायरी उसके पापा को वहाँ मिल गई, हैड बीन सेव्ड, उसके पापा को उसकी डायरी मिल गई, कन्विंस्ड
दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, और उसने देखा कि ये तो वास्तव में बड़ा अद्भुत यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और उसने उसकी लिखे हुए रिकॉर्ड को एक अंग्रेजी के अंदर ए डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम की बुक में के नाम से उसको पब्लिश करवा दिया, उसको प्रकाशन करवा दिया। उस नाम से उसने बुक छपवा दी उसके पापा ने। द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब ये डायरी एनी फ्रैंक को कब दी गई, जब उसका 13वां जन्मदिन था उसको तब ला के दी गई वो डायरी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, और उसने इसके अंदर 12 जून 1942 उसके जन्म की घटनाओं से लेके अनटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1945 और 1 अगस्त 1944 तक की आखिरी एंट्री इसके अंदर दर्ज थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेज। डच लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, लेकिन इसको कई लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया, एंड बीकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में एक किताब बन गई। देर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, बहुत सारे टीवी के और सिनेमा के प्रोग्राम बनाए गए, एंड इवन एन ओपेरा, और इसके ऊपर ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और डायरी के ऊपर एक ओपेरा भी बना, जो डायरी के ऊपर ही बना था ओपेरा, जिसमें गाना बजाना भी साथ साथ होता नाटक में। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, कहता कि एक मैच्योर, और जो मैच्योर मस्तिष्क होता है यानी मैच्योर की तरह उसमें काम का वर्णन किया गया है। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी एक्यूपेशन, कि जो नाजियों के अधिकार में जो छुपके उन्होंने जो रोज़ाना के जीवन का बारे में जो उसने लिखा है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकास्ट विक्टिम्स, कि एक जानी मानी हस्ती बन गई एनी फ्रैंक, बहुत फेमस हो गई इससे। तो अब हमने इसके बारे में पढ़ा, अब ये चैप्टर हम शुरू करते हैं, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी, एनी फ्रैंक की लिखी हुई है, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कि मेरे जैसे एक साधारण बच्चे के लिए डायरी लिखना वास्तव में बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा हो, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर और नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। कहता है कि नॉट ओनली बिकॉज इट सीम्स टू मी, कि ऐसा केवल मैं ही, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दैट लेटर ऑन, कि बाद में लिखने के बाद में, ना इधर आई ना ही तो मैं, नॉर एनी वन एल्स और ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, जो इसमें इंटरेस्ट रखेगा, किस चीज़ में इंटरेस्ट रखेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, कि एक सिर्फ 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की, उसके विचार, उसके चिंतन के सुनने में कौन इंटरेस्ट रखेगा, कौन उसके विचारों को देखेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, अरे ये कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे डायरी लिखना अच्छा लगता है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब ये ऑफ है, ये यहाँ से टू गेट ऑफ यानी निकालना, मेरे चेस्ट के अंदर जो भार था,
जिन जिन चीज़ों को मैं किसी को बताना चाहती थी बता नहीं पा रही थी, वो भार बहुत उनको निकालना बहुत ज़रूरी था, यानी डायरी के माध्यम से लिखना बहुत ज़रूरी था, अपने मन के भावों को कहना बहुत ज़रूरी था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब उसके खुद के विचार हैं, वो कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेशेंस धैर्य, आदमी की बजाय मनुष्य के बजाय कागज़ में अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। ये बात मैंने जो कही है ये उन दिनों में मैंने कही, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी सी उदासी महसूस कर रही थी, थोड़ी डिप्रेशन में थी, एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। और ये बात जब मैं अपने एक दिन घर पे बैठी बैठी अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में लगा के, अपने चिन को हाथों में दबा के बैठी हुई थी उदासी में, तो ये दिमाग मेरे में बात आई, क्या बात दिमाग में आई कि कागज़ के अंदर मनुष्य ज़्यादा धैर्य होता है। और उस दिन मैं बड़ी बोरियत महसूस कर रही थी, ऊब चुकी थी, लिस्टलेस, बड़ी आलस महसूस कर रही थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और ये मेरे मन में इस बात में आश्चर्यचकित हो रही थी कि मैं घर पे रुकूं कि घर से बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड, और आखिरकार मैं घर में रुकी रही, वेयर आई वाज ब्रूडिंग, जहाँ पे मैं सोच चिंतन करती, ब्रूडिंग मीनिंग भी चिंतन करना होता है, विचार करना, जहाँ पे मैं विचार कर रही थी, कुछ सोच रही थी, यस, और यही सोच रही थी पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि कागज़ के अंदर अधिक पेशेंस होता है, धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज ए डायरी। अब कहता कि आई एम नॉट प्लानिंग, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी टू लेट एनीवन एल्स रीड, कि कोई इसको पढ़े या ना पढ़े, दिस स्टिफ बैक नोटबुक, इस किताब को, इस मेरी जो साधारण सी एक स्टिफ बैक नोटबुक है, साधारण सी मेरी एक नोटबुक है, इसको कोई पढ़े, ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और जिसको मैं डायरी के रूप में कहना चाहती हूँ, डायरी के रूप में लिखना चाहती हूँ, जिसको मैं डायरी बोल रही हूँ, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, हालांकि आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, मुझे एक इसके डायरी के रूप में एक सच्चा मित्र मिल गया है, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बात भी नहीं है, डायरी से कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, इट प्रोबेबली, इससे शायद विल नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और डायरी से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाली बात भी नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस पॉइंट पर वापस आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मुझे, कि मैं उस बात पे आती हूँ, उस पॉइंट पे आती हूँ कि पहली बार मुझे डायरी लिखने का, डायरी रखने के लिए किस बात ने मुझे प्रेरित किया, प्रॉम्प्टेड, प्रेरित किया, किस बात से मैं प्रेरित हुई डायरी लिखने के लिए। तो फर्स्ट प्लेस पहली बात तो ये है, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, अन्य फ्रेंड ने डायरी लिखनी क्यों शुरू की, क्यों डायरी लिखनी शुरू की, तो इसका एक कारण ये है कि उसे कोई मित्र नहीं था, आई डोंट हैव ए फ्रेंड। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं यहाँ पे और अधिक क्लियर करना चाहती हूँ, स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव, कि इस पे शायद कोई इस बात पे विश्वास नहीं भी करेगा, दैट ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में एक 13 वर्ष की लड़की पूरी तरह से अकेली है, एंड आई एम नॉट, और मैं वैसे थी नहीं, आई एम नॉट, मैं अकेली नहीं थी, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे माता पिता थे, एंड ए 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, एक 16 वर्षीय मेरी बड़ी बहन थी, देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फॉर फ्रेंड्स, और वहाँ लगभग 30 के आसपास और भी लोग थे जिनको हम दोस्त ही माना करती थी, आई ए फैमिली लविंग आंट्स, मेरी प्यारी प्यारी परिवार में चाची, एंड ए गुड होम, और एक अच्छा खासा घर था, फिर कौन कह सकता मैं अकेली थी। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं धरातल पर देखने को तो
मेरे पास हर कुछ था, एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ एक सच्चे मित्र को छोड़ के और सब कुछ था, सच्चा मित्र नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट, ये सब मैंने इस बारे में सोचा, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, कि जब मैं अपने मित्रों के पास होती थी तो मेरा बिताने का समय बड़ा गुड टाइम बीतता था, टाइम बहुत अच्छे से बीतता था, मौज मस्ती में बीतता था। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं किसी भी बारे में किसी से अपनी ज़्यादा बात नहीं करती थी। बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, बस सिर्फ रोज़ाना की बातें थी, बस वो बात के अलावा मैं अपनी मन की बातें किसी के आगे नहीं किया करती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और नहीं मैं हम नहीं किसी के ज़्यादा नज़दीक दिखाई देने के योग्य थे। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही तो समस्या थी, यही तो समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, और हो सकता है शायद ये मेरी कमजोरी, मेरा दोष भी हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कि जैसे ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब कुछ कैसे होता है, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और शायद ये बदलने के काबिल भी नहीं है, बदलने के योग्य भी नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी लिखनी शुरू कर दी। ये भी एक क्वेश्चन बहुत आता है, वाई डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट टू राइट ए डायरी, तो ये सब कुछ इसी में दिया गया है। नेक्स्ट में है, टू इनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कहता है कि मेरी कल्पनाओं में, माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं की जो मेरी फ्रेंड थी, जिसका लॉन्ग अवेटेड, जिसका मुझे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, उसकी इमेज को, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन का मीनिंग होता है स्पष्ट या कुछ भी लिख दे, फटाफट लिख देना, जल्दबाजी में कुछ लिख देना। आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, इस डायरी में जल्दबाजी में कुछ ठूस देना नहीं चाहती थी। द वे मोस्ट पीपल वुड सो, जिस तरह से ज़्यादातर लोग लिख देते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं तो डायरी अपने मित्र बनाना चाहती थी, दोस्त बनाना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इस दोस्त को मैं क्या नाम देना चाहती थी, मैं दोस्त को किटी नाम देना चाहती, उसकी डायरी का क्या नाम था, ये छोटा क्वेश्चन कई बार आता है, किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माय स्टोरी टू किटी, कहता कि ये तो हर कोई, कि मैं किटी के बारे में क्या शब्द कहती हूँ, किटी से क्या बात करती हूँ, कोई शायद ना समझे। आई वर टू पलंग राइट इन, इफ़ आई वर टू पलंग राइट इन, कि मैं इसलिए मैं इसमें सही लिखना चाहिए मुझे। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि इसके लिए मुझे अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त विवरण लिखना चाहिए डायरी को शुरू करने से पहले। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ऐसा करना इतना अच्छा नहीं लगता, इतना अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ लिखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन डायरी के लिए, अपनी डायरी, किट्टी प्यारी किट्टी के लिए अपने जीवन के को संक्षिप्त रूप में लिखना भी ज़रूरी है डायरी की प्रतिष्ठा के लिए। तो आगे उसने क्या बताया, अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन के बारे में। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जितना मैंने देखा है, सुना है, सबसे ज़्यादा एडोरेबल फादर थे मेरे, सबसे प्यारे फादर थे। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, मेरे पापा ने जब तक, आप मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक खुद 36 ईयर के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 वर्ष की ना हो गई। यानी उनकी शादी कब हुई, उसकी मम्मी पापा की, उसके पापा की 36 एज थी और उसकी मदर की 25 एज थी। माई सिस्टर मार्गोट, उसकी बड़ी बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक था। माय सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन
का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट। मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 वर्ष की ना हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। एमिग्रेटेड तो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे बस जाना। मेरे पापा 1933 में हॉलैंड से एमिग्रेट हो गए थे, हॉलैंड को छोड़ के चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और सितंबर 1933 को मेरी माँ भी उनके साथ हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट, जबकि मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, लेकिन मुझे और मार्गोट को एकन के अंदर अपनी मेरी दादी माँ के साथ ही छोड़ दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गेट मेरी बहन थी वो दिसंबर के अंदर हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके पीछे पीछे मैं फरवरी में गई। फरवरी में क्यों गई? व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मुझे उस दिन ले जाएगा जिस दिन मार्गोट का जन्मदिन था, और जैसे मुझे मार्गोट के बर्थडे की जो जन्मदिन की जो मेज़ थी उसके ऊपर तोहफे के रूप में प्लंक डाउन, यानी जैसे तोहफे के रूप में वहाँ डाल दिया गया हो, यानी कि उसके जन्मदिन के दिन उसको वहाँ ले जाया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने बिल्कुल सही समय पे पढ़ना मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में शुरू किया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं वहाँ पे जब तक 6 वर्ष की हुई तब तक वहाँ रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वहाँ से मैंने फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू किया था। इन द 6th फॉर्म माय टीचर वाज मिसिज कुपेरस द हेड मिस्टर्स, और 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुपेरस जो मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में वी वेर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट बीटिंग फेयरवेल। हार्ट बीटिंग फेयरवेल, हृदय विदारक, दिल को तोड़ देने वाली विदाई। हम दोनों के आँखों में आंसू थे कि जब हम दोनों ने एक दूसरे को हृदय विदारक विदाई की। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फैल इल। 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको एक ऑपरेशन करवाना पड़ा, सर्जरी करवानी पड़ी। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे जन्मदिन थोड़े से हल्के से सेलिब्रेशन के हल्का सा मना के निकल गया, कोई खास खुशी नहीं मनाई गई। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ 1942 में दादी माँ की मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता कि दादी माँ से मैं कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक, इस अगले जन्मदिन जो 1942 का जन्मदिन था उसमें इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, जो पीछे के दूसरे जन्मदिन थे उसकी इंटेंडेड कर दिया गया, उसकी क्षतिपूर्ति कर दी गई। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और बाकी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की भी एक मोमबत्ती जलाई गई, उसके नाम की भी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, चारों हम यहाँ अच्छी तरह से रह रहे थे, ठीक ठाक चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इस प्रकार ऐसा करते करते 20 जून 1942 आज का प्रजेंट डेट उसने लिखी, डायरी लिखनी शुरू की। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैंने अपनी जो डायरी थी उसको लिखना शुरू किया, शुरुआत की। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे अब डायरी में क्या था। अब ये डायरी यहाँ से शुरू होती है, सैटरडे 20 जून 1942। अब डायरी देखो कैसे शुरू करती है। डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, सबसे अधिक प्रिय किटी,
Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots, सब अपने अपनी बातों में लगे हुए थे, सारी क्लास सब quaking in boots, अपनी बातों में लगे हुए थे. The reason, कारण ये था, of course, अवश्य ही, is the फोर्थ कमिंग मीटिंग, जो आगे होने वाली मीटिंग के बारे में. क्या मीटिंग हो रही थी? इन विच द टीचर डिसाइडेड, जिसमें अध्यापक ये फैसला लेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन बच्चा अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी कैप्ट बैक, और किस बच्चे को पीछे रखा जाएगा. इसमें ये मीटिंग हो रही थी, तो सब बच्चों में चर्चा, भी बच्चे भी आपस में बात कर रहे थे. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी से लगभग क्लास ने शर्त लगा ली आपस में. जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ, जीएन और मैं अपने आप में हंसे जा रहे थे. सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, दो लड़के हमारे पीछे बैठे थे, उनकी मूर्खता के ऊपर. सिली, उनकी मूर्खता के ऊपर हमें, हमारी हंसी, हम हंस रहे थे. किस लिए हंस रहे थे? शियन एंड जैक्स, वो दो लड़के थे, एक का नाम शियन था, एक जैक्स था. हु हैज स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, उन्होंने अपनी शर्त के ऊपर अपनी पूरी छुट्टियों की जितनी भी सेविंग थी, बचत थी, वो दाव पे लगा दी. स्टेक्ड, उन्होंने शर्त लगा ली पूरी छुट्टियों की सेविंग की. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह से शाम हो गई. इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि तुम तो पास होने जा रहे हो. नॉट, आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हूँगा. यस यू आर, हाँ तुम हो रहे हो. नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँगा. ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई. इवन जीज प्लीडिंग गैलेंस, यहाँ तक कि जी, कोई स्टूडेंट है जी नाम से, इवन जी प्लीडिंग गैलेंस, यहाँ तक जो जी ने बड़ी प्रार्थना भरी नज़रों से देखा, सबसे प्रार्थना भरी नज़रों से देखा. माई एंग्री आउट ब्रस्ट, और मेरा भी गुस्से से फट जाना, मैं गुस्से में हो गई. कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं कर पाए, यानी मेरा गुस्सा और जी की प्रार्थना करने से भी क्लास शांत नहीं हुई. इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डैमेज, कि हमारी कक्षा में बहुत सारे डैमी हैं. डैमेज, नालायक बच्चे. दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, जो लगभग एक क्लास के चौथाई हिस्से के करीब हैं. शुड बी कैप्ट बैक, जिनको वापस, शायद वापस रखा जाना चाहिए. वन फोर्थ स्टूडेंट हैं. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा ना जा सके, जिनके बारे में पहले से कुछ कहा ना जा सके, भविष्यवाणी ना की जा सके. तो बताया, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, कि टीचर हैं वो इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा ऐसे अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं, ऐसे जीव हैं जिनके बारे में ज़्यादा कुछ पहले से कहा नहीं जा सकता. आई एम नॉट सो वेरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मेरी एक सहेली थी उसके बारे में मैं ज़्यादा चिंतित नहीं थी. एंड माई सेल्फ, और मेरे खुद के बारे में. वी विल मेक इट, क्यों, हमें पता था हम ठीक ठाक हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, केवल एक सब्जेक्ट था मैथ जिसके बारे में मुझे पक्का विश्वास नहीं था. एनी वे, कुछ भी हो, आल वी कैन डू इज वेट, कुछ भी हो, हम सबको बस वेट तो करना ही पड़ेगा. अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, तब तक हम एक दूसरे को ये तो कहते रहे कि भाई मन छोटा मत करो, मन हल्का मत करो, सब पास हो जाओगे. आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल, आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कहते मेरे सारे टीचरों के साथ लगभग ठीक बनती थी, लगभग सभी टीचरों के साथ मेरी ठीक बनती थी. देर आर नाइन ऑफ देम, लगभग वहाँ नौ टीचर थे. उसके स्कूल में कितने टीचर थे? नाइन. सेवन मैन एंड टू वीमैन, सात पुरुष थे टीचरों में और दो महिलाएं थी. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉरगे, पुराने विचारों वाला, पुराने विचारों का था. हु टीचिस मैथ, जो हमें मैथ पढ़ाता था. वाज अनॉयड विद मी फॉर एज, वो जैसे कई युगों से मेरे से नाराज़ था, हमेशा ही नाराज़ रहता था. बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, कारण ये था कि मैं बात बहुत करती थी क्लास में.
आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी चेतावनियों के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे घर पे होमवर्क में कुछ एक्स्ट्रा असाइंड, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए दे दिया और बच्चों के अलावा। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी, जैसे जो ज़्यादा बात करने वाले उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। तो उस चैटर बॉक्स के ऊपर है भाई, एक टॉपिक है चैटर बॉक्स, उसके ऊपर तुम्हें ऐसे लिख के लेना, और बच्चों के अलावा उसको होमवर्क दिया गया ए चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, बाद में इसके बारे में मुझे चिंता भी हुई। आई डिसाइडेड, फिर मैंने फैसला किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जॉटेड डाउन माने जल्दी जल्दी से लिख लेना, मैंने अपनी नोटबुक में जल्दी से उस टाइटल को लिखा। टक्ड इट इन माई बैग, और अपने बैग में ठूंस दिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुप रहने का थोड़ी देर प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरा जो बाकी का गृह कार्य था उसको ख़त्म कर चुकने के बाद, ख़त्म करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे काट माई आई, उस एसे के नोट के बारे में जो नोट दिया था टीचर ने, उस पर मेरी नज़र बाद में गई, जब तक मैंने सारा गृह कार्य कर लिया था। गृह कार्य करने के बाद मेरी नज़र उस पर गई, काट माई आई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के ऊपर मैंने सोचना शुरू किया। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जबकि मैं अपने फाउंटेन पेन को चीविंग करते करते, चबाते चबाते सोच रही थी उसके ऊपर मैं क्या लिखूं। एनीवन कुड रंबल ऑन एंड लीव बिग स्पेस, कोई भी अगर किसी और कोई होता तो वो लिखता तो वो रंबल ऑन घसीटे मार देता, लीव बिग स्पेस, बीच में खाली जगह छोड़ देता, बिटवीन द वर्ल्ड, शब्दों के बीच में, और पूरी कर देता। बट द ट्रिक वाज टू कम अप, लेकिन जो विचार, जो ट्रिक ये थी, विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, कि कुछ इसके जो बहस है कुछ विशेष लिखा जाए, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, विशेष क्या लिखी जाए कि ऐसे ढंग से लिखा जाए जिसके अंदर जो ये साबित किया जाए कि भाई नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है, इस विषय को साबित करते हुए कुछ मौलिक लिखा जाए। आई थॉट एंड थॉट, अब इसमें मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे मन में एक आइडिया आया। आई रोट थ्री पेज, तीन पेज भर दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन जो एक्स्ट्रा काम दिया था उसके ऊपर, एंड वाज सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट हो गया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, मैंने ये उसको ये हवाला दिया, ये तर्क दिया, आर्ग्यू, कि जो बातचीत है, टॉकिंग है, वो एक स्टूडेंट का गुण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और गुण होता है एक विद्यार्थी का, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपने में, मैंने अपने पूरा प्रयास किया है। आई वुड डू माई बेस्ट, मैंने पूरा प्रयास किया है टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि बोलने को, अपनी बातचीत करने के मैं कंट्रोल करूँ, इस बात पर मैंने पूरा प्रयास किया है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन अपने आप को मैं सुधार नहीं पाई। ऑफ द हैबिट, इस मेरी आदत को मैं सुधार नहीं पाई। कारण क्या? सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बोलती जितना मैं बोलती हूँ, इफ़ नॉट मोर, और इससे ज़्यादा भी नहीं। एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड जो वंशानुगत जो गुण होते हैं उनको आप भी नहीं बदल सकते। ये तो मेरी माँ से मुझे वंशानुगत गुणों के रूप में विरासत में मिले हैं, जो एक्सेस टॉकिंग है। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मेरी जो ये आर्ग्यूमेंट थे, जो मैंने तर्क दिए थे, उसे मिस्टर किसिंग बहुत अच्छा। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन अगले लेसन के दौरान फिर मैंने अपना वो बातचीत करने वाला जारी रखा काम। ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उसने मेरे को दूसरा एक
लिखने को असाइनमेंट दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिएबल चैटर बॉक्स। अब की बार उसने ऐसा टॉपिक दिया, उस टॉपिक का नाम था द इनकोरिएबल चैटर बॉक्स, एक ऐसी चैटर बॉक्स, ऐसी बातूनी जिसको सुधारा ना जा सकता हो। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको स्वीकार किया। एंड मिस्टर किशिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, मैंने उस लिख के मिस्टर किशिंग को हैंडेड ओवर कर दिया, उसको संभलवा दिया, लिख के दे दिया। मिस्टर किशिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, अब मिस्टर किशिंग को कोई कंप्लेन शिकायत नहीं थी। कब तक? अबाउट फोर टू ओ लेसन, दो पार्ट पढ़ा दिए, दो चैप्टर, तब तक कोई शिकायत नहीं थी। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब तीसरा लेसन शुरू हो गया। ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब आखिरकार वो भी काफ़ी हो गया, उसके लिए सहन करना काफ़ी हो गया, और बोला एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कक्षा में बोलने की सजा के रूप में राइट एन एसे एंड टाइटल, एक टाइटल वाला एसे देता हूँ। क्वेक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये तुम्हें शीर्षक देता हूँ कि काँव 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 श्रीमती चैटरबॉक्स बातुनी काँव काँव करती है, इसके ऊपर तुमने एक लिख के लेके आना टॉपिक। द क्लास रोएड, अब क्लास में शोर हो गया, हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी खूब हंसी, मेरी भी हंसी आ गई। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, अब कहता है कि जो टॉपिक था दो तीन बार दे चुके थे वो, इस टॉपिक के ऊपर मेरी जितनी भी इनजेन्यूटी थी, जितने भी मेरे मौलिक विचार थे, जितना मैं लिख सकती थी, अब एग्जॉस्ट हो गए, वो सारे लगभग ख़त्म हो गए, अब मैं क्या लिखूं? इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब कुछ हटके लिखने का समय आ गया था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक लिखा जाए। माई फ्रेंड शेन, एक मेरी सहेली थी शेन, हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री लिखने में, कविता लिखने में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मुझे ऑफर दिया कि क्यों न जो दिया हुआ ऐसे है उसको शुरू से लेके आखिर तक इन वर्स में लिखा जाए, कविता के रूप में लिख के दे दिया जाए। एंड आई जम्प्ट फॉर जॉय, अब मैं खुशी के मारे उछल उठी। मिस्टर किशिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रेडिकल सब्जेक्ट, इस कठिन सब्जेक्ट के ऊपर मिस्टर किशिंग ने मेरे ऊपर मजाक बनाने का प्रयास किया। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने भी ये पक्का इरादा कर लिया था कि ये जो मजाक है ये उसी के ऊपर गिरेगा, उसी को मजाक बनाऊंगी। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने मेरी पोइम पूरी की। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, बड़ी सुंदर पोइम लिखी गई। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, अभी एक डक, एक मादा बतख थी और स्वान हंस उनके पापा थे। विद थ्री बेबी डक, डकलिंग होते बतख के बच्चे, तीन डक बतख के बच्चे। हु वर बीटन टू डेथ, जिनको बीटन टू डेथ, जब तक मरे नहीं तब तक पीटा गया बाय फादर, उसके पापा के द्वारा। बिकॉज दे क्वेक टू मच, क्योंकि वो अधिक क्वेक क्वेक करते थे, काँव काँव अधिक करते थे। लकीली, किस्मत से मिस्टर किशिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर किशिंग ने इस जोक को सही अर्थों में ले लिया। ही रीड द पोइम टू द क्लास, उसने पोइम की क्लास के आगे पढ़ी। एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स, अपनी टिप्पणियाँ भी लिख दी। एंड टू सेवरल अदर क्लास एज वेल, और दूसरी बहुत सी कक्षाओं में भी ऐसे ही किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उस दिन से मुझे बोलने की आज़ादी मिल गई, बोलने के लिए अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी। एंड आई हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उस दिन से मुझे कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं मिला। ऑन द कंट्रेरी, और इसके साथ साथ इसके विपरीत, मिस्टर किशिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और मिस्टर किशिंग को हमेशा के लिए इन दिनों जोक बना दिया गया, मिस्टर किशिंग का मजाक उड़ाने लगे। यूअर्स अन्नी, तुम्हारी अन्नी,
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये मेन बुक है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, उससे ली गई है और अपने चैप्टर का नाम है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक इसकी राइटर है। तो बेटा आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, दोबारा से भी सुन सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लिख सारे नोट्स बना के दूंगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना, शेयर करना और बच्चों को भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ओके।